जल्दी करते करें। जूम कर जूम कर जूम कर। राजस्थान के बाद में ये खड़ी है। जूम कर जूम कर जूम कर। जल्दी जल्दी। कौन है वहाँ? जल्दी बहुत जल्दी जल्दी। कैमरा भी नहीं चालू था तो एक ऐसी चीज़ मुझे अभी नज़र आई। एक नए लोकेशन पे हूँ इस वक्त मैं, राजस्थान के आया हूँ आप सभी की डिमांड पे राजस्थान। तो सबसे पहले सभी भाइयों को हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार है, सलाम है और सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हो भाई? एक ऐसी खतरनाक लोकेशन जिसकी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक लेडी है राजस्थानी, राजस्थान के जैसे कल्चर होता है पहनते हैं ना वहाँ के लोग, तो मुझे जानकारी नहीं है, वैसे मैंने सुना है वैसी ही कुछ ड्रेस में एक औरत यहाँ पर नजर आती है। इस गांव का नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ मैं, फिर भी अगर कोशिश रही तो वीडियो को इंट्रो में आपको मिल जाएगा। वैसे मैं परमिशन लेकर ही रिवील करूँगा। वो औरत प्रेग्नेंट है और किसी रीजन से पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ उसके साथ, हादसा ही हुआ था कोई ना कोई। वो जब मर गई ना तो उसके पेट में बच्चा भी मर गया था। उसका ही जस्ट पीछे मेरा एक फार्म हाउस है, उसके हस्बैंड अभी भी यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड से या क्या उसका लफड़ा था हस्बैंड से बदला लेने के लिए आज भी वो खड़ी रहती है इस जगह पे। तो आज वही देखना आए थे कि जस्ट हम लोगों ने कैमरा ऑन भी नहीं किया था, वो दिख गई थी लेकिन हम लोगों ने लाइट बंद करके अभी फिर वापस कैमरा चालू किया। देखते हैं अगर दिखती है, किस्मत अच्छी रही तो देख पाओगे आप भी और हम भी। और वाकई भयानक लोकेशन है, बस दिखा के जैसे तैसे यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि हम अपने शहर यूपी में नहीं है, अपने शहर में नहीं है क्योंकि ये दूसरी जगह है और कैसा है क्या है मुझे भी नहीं पता, तो हमारे लिए और हमारे कैमरा मैन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हम लोग जितनी जल्दी होगी तो ये वीडियो को कैप्चर करेंगे, जो कैप्चर होता है वो कैप्चर करके भाग जाएंगे। इधर गई थी ना? और दोस्तों कोई आवाज आई? और दोस्तों आप सभी यार डिमांड करते हो क्या ऐसा कुछ ब्लैक शैडो नहीं? शैडो इस जगह पे जानवर होगा, कोई जंगल है ना, जानवर होगा, सियार वगैरह होंगे। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अब इस चैनल पे ऐसी लोकेशंस कैप्चर करने वाले हैं हम, ऐसी जगह विजिट करने वाले हैं जो शायद ही कोई जा पाएगा। दोस्तों एक आवाज आ रही होगी, शायद कहीं पे शादी विवाह का माहौल है तो हो सकता है कहीं पे बाजा वगैरह बज रहा हो, बाकी आवाज यहीं से आई है कहीं से चिल्लाने की। राजस्थानी लिबास में देखो, और जूम करो और जूम करो और जूम करो। अरे बाप रे, ए पीछे, अरे बाप रे, रुक जा, उसको फोकस रखो फोकस रखो, देखना कहाँ जा रही है। आगे जा रही भाई। कौन है वहाँ? पीछे चले है ना, अब
भाई उसका एकदम जला हुआ जैसे काला चेहरा, एकदम काला चेहरा। कौन है यार? रुको, देखा नहीं? आ गया, आ गया, आगे रहिए, आगे रहिए, जल्दी आओ। कौन है? ये इस गली में कौन था यार? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या वो कांटा लगे क्या? जल्दी आ। कैमरा दिखा दो यार, गायब हो गई। फिर से चले एक बार। एक मिनट रुकना यार, थी क्या चीज? वो बड़ी अजीब चीज थी। आप वापस आओ, वापस आओ, इधर से चलते हैं। इधर से, इधर से हम लोग तो आए ही ना। जल्दी जल्दी जल्दी, यही है दोस्तों उसका फार्म हाउस। ये एक छोटा सा इसने बनवा रखा है इसके हस्बैंड ने। एक बार अच्छे से कैप्चर कर लेना। और सेम वही चीज दोस्तों जो चीज मुझे यहाँ के लोगों ने बताई है। आ जाओ, आगे आ जाओ। यही पूरा, ये पूरा कांटों से बंद कर रखा हुआ है। यही वो फार्म हाउस है जो उसके हस्बैंड ने बनाया। कहते हैं इतनी एरिया में लोगों को वो दिखी है और वाकई कैप्चर हो गई इस बार कैमरे में। और एकदम जूम करके मैंने आपको क्लियर दिखाया होगा वो चीज़। एक बार इधर लेना, इस दर्रे में कुछ था यार। हमने कहा था ना जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे, ज्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं है। वापस चलो भाई। ये क्या अंतर? कौन है? कोई बैठा था? कोई है? कोई नहीं, कांटा पूरा लगा हुआ है वहां। कोई होगा क्या? आ जा, निकलो भाई वापस। ये खड़ी है, ज़ूम कर, ज़ूम कर, ज़ूम कर, जल्दी जल्दी। कौन है वहाँ? राजा पीछा, मेरे बहुत पीछे वहाँ, पीछे वहाँ। कौन है वहाँ? पीछे खड़ी है। कौन है वहाँ? दिख रहा है? इधर आ जा, निकल निकल के आ जा, आ जा, जल्दी भाग, जल्दी जल्दी निकल गए, जल्दी बाहर आ जा, जल्दी जल्दी। दोस्तों पहले बाहर निकल, बाहर जल्दी जल्दी। एकदम क्लियर देखा होगा दोस्तों, एक भयानक चीज थी।
और बाहर है, बाहर की जगहों पे है, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। वहाँ क्लियर कैप्चर हुई है और दोनों बार रास्ते पे खड़ी थी। आपने देखा होगा जब हम लोग स्टार्टिंग में गए तब उधर कहीं पर वो जाकर गायब हो गई थी, और जब रिटर्न आए उसके बाद वो रास्ते पे ही खड़ी थी। यहाँ से निकलो, पहले वीडियो बंद कर दो, निकलो यहाँ से। कोई रो रहा है भाई।